कोविड-19 के पॉजिटिव मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। बात गाजियाबाद के आंकड़ों की अगर करें तो गाजियाबाद में 398 पॉजिटिव मामले आ चुके हैं, जिसमें से 265 मरीज कोरोना वायरस को हराकर अपने घर जा चुके हैं। जहां सीईओ फर्स्ट राकेश मिश्रा लॉकडाउन को सुनिश्चित कराने में लगे हुए हैं। जो लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं, पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई भी कर रही है। कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले बढ़ते जा रहे हैं। बात गाजियाबाद के आंकड़ों की करें तो गाजियाबाद में 398 कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले मिल चुके हैं, जिसमें से 265 मरीज कोरोना वायरस से जंग जीत कर अपने घर जा चुके हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद के चौधरी मोड़ चौराहे पर मौजूद हैं। सीओ साहब खुद मौके पर मौजूद हैं और लॉकडाउन को सुनिश्चित कराने में लगे हुए हैं। लगातार जो लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनके चालान किए जा रहे हैं। जो लोग कार के अंदर चार लोग सवार होकर जा रहे हैं, उनमें से एक को उतारा जा रहा है, जिससे कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो पूरी तरीके से मेंटेन हो सके। हम ऐसा सीओ साहब हैं, इनसे सीधी बात करेंगे किस तरीके से लॉकडाउन को सुनिश्चित कराया जा रहा है। सर, लॉकडाउन की अगर बात करें तो अभी लॉकडाउन में छूट भी दी गई है, किस तरीके से लॉकडाउन को सुनिश्चित कराया जा रहा है? जो गाइडलाइंस हैं लॉकडाउन को सुनिश्चित करने के लिए और कोविड से बचाव के लिए, उसके तहत जो भी उसका वायलेशन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और पुलिस चारों तरफ मौजूद है, उसकी ड्यूटी लगाई गई है और इसे इंश्योर करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, जो लोग मास्क नहीं लगा रहे उनके खिलाफ किस तरीके का? बिल्कुल, उसके लिए भी गाइडलाइन है, उनको उनके लिए दंड का प्रावधान है, जुर्माने का। जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं उनके भी विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। तो लगातार जो गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पर है। गाजियाबाद के SSP कलानिधि नैथानी किसी भी सूरत में लॉकडाउन को सुनिश्चित कराने में लगे हुए हैं। लगातार जो पुलिस है वो सुबह सड़कों पर आ गई है, जिससे कि जो लॉकडाउन है वो पूरी तरीके से सुनिश्चित हो पाए। सोनू खान, KNews India, गाजियाबाद। और स्वीच